एक गृहस्थ परिवार रहता था, बड़ा गरीब था, छोटे छोटे दो तीन बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे उनके। शिव जी की बड़ी दयालु, बहुत प्यारी कथा है ये, बहुत अच्छा दृष्टांत। इससे हमें और आपको पता चलेगा कि भगवान कितनी चिंता हमारी करते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम भगवान पर विश्वास नहीं करते। आप विश्वास करो, उनके छोटे छोटे तो बच्चे थे और इतने गरीब थे कि रोज नित्य मजदूरी करके, सेवा करके अपना और अपने बच्चों का पेट भरते थे। दो तीन दिन से सर्दी के दिनों में बारिश हो रही थी, बारिश होने के कारण उसने कोई काम नहीं मिला था और कार्य न मिलने के कारण उनके घर में अन्न नहीं बचा था। वो जो देवी थी ना, उनकी पत्नी बड़ी भक्त थी शिव जी के, काम तो करती थी किसी का मकान इत्यादि चिनवाने का, वजन उठाने का, ईंट उठाने का, जो भी काम होता है वो ही करती थी। लेकिन एक नियम बना रखा था कि जब तक शिव जी का दर्शन न कर ले और शिव जी पे एक जल लोटा ना चढ़ा दे तब तक वो काम पे नहीं जाते थे, ये नियम था उसका। दो तीन दिन से काम मिला नहीं था इनके पति को, सर्दी बढ़ती जा रही थी, इनका तो रेगुलर काम चल रहा था किसी के यहां, देवी का सर्दी बढ़ रही थी। तो पत्नी ने कहा, देखो ये बालक बड़े छोटे छोटे से हैं, इनको सर्दी लगती है, गर्म वस्त्र नहीं है, तुम कुछ गर्म वस्त्र ले आना आज जब पैसा मिले तो। पति ने कहा, देखो हमारी स्थिति ऐसी है कि अब घर में अन्न तक नहीं है खाने को, सर्दी भी बढ़ रही है, पहली बात तो काम मिले, काम मिले उसके बाद में दाम मिले, और दाम मिले तो फिर उसके बाद अन्न चाहिए, उसके बाद तो अन्न चाहिए, तो हमें इतना तो धन मिलेगा नहीं कि हम गर्म वस्त्र ले आए, अभी तुम अपने गर्म वस्त्र इनको पहना दो फिर देखेंगे लाएंगे। तो उस देवी ने अपने जो गर्म वस्त्र देवियों के होते हैं वो उन बच्चों को पहना दिया और स्वयं कार्य करने के लिए गई। तो जब कार्य करने के लिए गई तो शिव जी के मंदिर में गई और मंदिर में जाके प्रार्थना की, भूत भावन भोलेनाथ सर्दी बढ़ रही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उन बिचारों को सर्दी लगती है, घर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हम उन बच्चों को प्रदान कर सके, आप कृपा करो, आप तो सबको देने वाले हो, जब सबको आप देते हो तो इस बालक को भी, इस दासी को भी आप प्रदान करें। संयोग इतना अच्छा था, जैसे ही ये मंदिर से बाहर निकली तो उस नगर का एक नगर सेठ मंदिर, क्योंकि जब सर्दियों में कोई कंबल वगैरह बांटता है तो अधिकांश मंदिरों में ही जाता है, तो मंदिर में खड़े होके वो कंबल बांट रहा था, तो ये उस कंबल को लेने के लिए लाइन में लग गई और कहा, हे महादेव आपकी बड़ी कृपा, आपने एक क्षण में मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इतनी जल्दी सुन ली, अब वस्त्र नहीं तो सही, कोई बात नहीं, ये कंबल में अपने बच्चों को ढा दूंगी तो मेरे बच्चे सर्दी से बच जाएं। कंबल के लालच में वो वहां बहुत देर खड़ी रही, अंत तो गत्वा उसका नंबर आया और जब उसका नंबर आया तो उसे कंबल भी मिल गया। कंबल लेकर वो जब जा रही थी तो सामने से एक बूढ़ा बाबा आए, बूढ़े बाबा ने कहा, अरी बेटी सुनती है क्या, अरी बेटी सुनती है क्या, अरी बेटी सुनती है क्या, अरी बेटी मेरी बात सुन,
अरी बेटी मेरी बात सुन, देख वो जो कंबल बांट रहा है ना, वहां बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। और मेरे वृद्ध अवस्था में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं खड़े होके कंबल ले सकूं। तेरी बड़ी दया होगी, क्या ये कंबल तू मुझे दे सकती है? उस देवी ने कहा कि मैं तो बिना कंबल के भी अपने बच्चों को रख लूंगी, क्योंकि जैसा भी व्यवस्था है घर में थोड़ी बोड़ी उसी में रख लूंगी, पर ये बूढ़े बाबा हैं, सर्दी में कहीं ना कहीं प्राण ना निकल जाएं। इस दया भाव को उसके मन में आया और उसने वो कंबल बाबा को दे दिया। बाबा को वो कंबल दे दिया कि बाबा आप स्वीकार करो चाहो। और तब तक सेठ जी जा चुके थे, कंबल बट चुके थे, अब बिना कंबल के वो अपने काम की जगह पर गई कि जहां काम करना है। तो देर होने के कारण जिस जगह पर वो काम करती थी उसे गुस्सा आ गया और मालिक ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मन करेगा काम करने आओगे, जब मन करेगा समय नहीं देखोगे, टाइम नहीं देखोगे, जाओ आज के बाद तुम मेरे यहां काम पे नहीं आना और तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर है, जाओ यहां से। रोती हुई भूत बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करती हुई, हे बाबा ये मुझसे क्या अपराध हुआ है? आपने कंबल भी दिलाया, वो कोई बात नहीं बूढ़े बाबा ले गए, ऊपर से काम से भी छुट्टी करा दी। अब आप जानो आपका काम जाने, कहीं मेरे बच्चे भूखे न रह जाए। वो घर पहुंची, उसका पति भी घर पहुंचा, देवी ने पूछा काम मिला? बोले नहीं मिला। तुम कैसे जल्दी आ गई? बोले मुझे तो काम से छुट्टी दिला दी, छुट्टी हो गई कि तुम काम नहीं करोगी। क्यों? तो पूरी घटना बताई और पूरी घटना बताई और बताया कि एक कंबल मिला था, कंबल के लालच में रुक गई और ये घटना हुई। फिर वो कंबल भी एक बाबा को दे आई तो उसके पति ने बड़ा डांटा, अब तेरा बाबा भोला बाबा दे देगा तो काम तुझे, ये भोले के चक्कर में ऐसी आ गई है, तू कंबल को भी दे आई, एक कंबल मिला था वो भी दे आई, इधर काम से भी हाथ धो लिए। अरे भाई भोले की भक्ति कर लेना, पहले अपने बच्चों को तो देख ले। क्या भोले के पीछे पड़ गई है? ऐसी भी दया, क्या दया कि अपना कंबल उस बूढ़े को दिया ही? अरे कंबल ही ले आती, कम से कम बच्चे तो सुरक्षित रहते, सिचुएशन थोड़ा चेंज करो, अपने बारे में सोचो। मेरे घर की ये स्थिति होती तो क्या हम अपना कंबल उसको देते? जवाब दो। कितने लोगों के घरों में अनाप शनाप पड़ा रहता है, उसके बावजूद भी द्वार पर आए हुए भूखे को दो रोटी नहीं देते। ये आज का सनातनी है, आज का। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बैंकों में भरा पड़ा है पैसा, लेकिन अपने बुजुर्गों की भी सेवा व्यक्ति ढंग से नहीं कर पा रहा है। और ऊपर से हम आशा करते हैं कि भगवान हमारे साथ अच्छा करेगा। हमारे घर का कोई सदस्य भगवान की भक्ति में लग रहा हो, भजन कर रहा हो, हम उसे गालियां दे दे के भर देते हैं, बाबा जी हो जा, ये हो जा, वो हो जा। हम उस खुद भक्ति करते नहीं। अपने घर का कोई व्यक्ति भक्ति करे तो वो हमसे बस बर्दाश्त नहीं होता, उसे भी सुनाते रहते हैं कुछ ना कुछ, जैसे इसके पति ने सुनाया। अब घर में अन्न था नहीं, सर्दी पड़ रही थी, एक फटा हुआ सा कंबल था, उसी में चारों लोग बैठे हुए थे, दरवाजा घर का बंद था, बारिश अभी भी हो रही थी, बिजली चमक रही थी, छोटा सा कमरा था उसी में चारों लोग बैठे हुए थे, भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया, अरे कोई भीतर है, अरे कोई भीतर है, अरे कोई भीतर है। देवी ने कहा देखो कौन है, कौन है? तो कहा मैं एक राहगीर हूं, दरवाजा खोलो, बाहर बारिश हो रही है, मैं थोड़ा परेशान हूं। देखो देखो कौन है।
पति बोला पता नहीं कौन सी बलाया आ गई अब रात में, एक तो सर्दी पड़ रही है, कंबल जैसे तैसे गर्म करा, अब इसके लिए दरवाजा खोलो। अरे पत्नी बोली द्वार पर आए हुए अतिथि से ऐसे नहीं बोलते, ना जाने किस रूप में बाबा भोलेनाथ मिल जाए हैं, थोड़ा शांत ऐसे नहीं जाओ। तो देखने के लिए गया तो देखा एक व्यक्ति खड़ा है जिसके सर पे तमाम गरम गरम वस्त्रों की पोटली बंधी हुई। उसने कहा भैया मैं गरम गरम कपड़े बेचता हूँ, कंबल और बच्चों के और इत्यादि वस्त्र बेचता हूँ, अब सर्दी पड़ रही है, अंधेरा हो गया, रात हो गई, बारिश पड़ रही है, मैं कहाँ जाऊं, सुबह से मैंने भोजन भी नहीं किया, भोजन की सामग्री भी है पर भोजन नहीं की मौका अवसर ही नहीं मिला, बेचने में लगा रहा, एक काम करोगे क्या? बोले क्या? बोले अपनी पत्नी को कहो जितनी भी ये सामग्री है क्या मेरे लिए भोजन बना देगी। अरे बोले अब तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारे लिए भोजन हमारी पत्नी बनाएगी? अरे भैया पूछ लो तुम्हारी पत्नी बना सके तो, नहीं तो और कहीं चले जाएंगे। अरे सुनती हो? बोल क्या हुआ? अरे ये देखो कोई रागीर हैं, ये कह रहे हैं हमारी भोजन की सामग्री भोजन बना दो तो भोजन करके चले जाएंगे। तो उस देवी ने कहा हे देवता हम पे अपने लिए तो भोजन बनाने को है नहीं, कोई आशा लेकर आया है, मुझे भोजन बनाने में कितनी देर लगेगी, उनसे कह दो सामग्री दे दें, हमारे घर में सामग्री नहीं है। अरे उनको कहो अपनी देवी को हम पे सामग्री बहुत है, सारी सामग्री का भोजन बना दो बस। बोले हम भोजन बना देंगे आप प्रतीक्षा करो। तो वो सामग्री उसने दे दी और वो सामग्री लेकर देवी ने ले ली और वो चूल्हे में अग्नि जलाई, और वो पहले चूल्हे होते थे, सिलेंडर विलेंडर तो होते नहीं थे, चूल्हे में अग्नि लगाई और तवा रखा और जो भी भगोनी भगोनी रख के सब्जी बनाई होगी, बना दिया भोजन। उतनी देर वो एक दूसरे से बातें करते रहे, भोजन बन गया और सारा सामग्री का जो भोजन था जितना भी भोजन बना वो देवी ने वो सारा भोजन लेकर कहा ये ले जाओ उनको भोजन कराओ। पति देव गए, कहा कि आपका भोजन है आप भोजन करो। अरे वाह तुम्हारी पत्नी ने भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनाया, ऐसा लगता है जैसे बहुत मन से रुचि करके उन्होंने भोजन बनाया, हमको लगता है कि तुम्हारी पत्नी जो है बड़ी अतिथि सेवी है, अतिथियों की बड़ी सेवा करती है। अरे बोले भोजन करो तुम जाओ, काहे को हमारी पत्नी की बात कर रहे, करो जल्दी करो भोजन। तब उस आगंतुक ने कहा इतना भोजन बना दिया है, बोले तुम्हीने तो कहा था सारी सामग्री का भोजन बना दो। बोले हाँ कहा था, सामग्री कहाँ ले जाता इसलिए सारी सामग्री का भोजन। तुम एक बात बताओ तुम लोग भोजन कर चुके हो क्या? अरे हमसे तुम्हें क्या मतलब तुम भोजन करो? बोले मतलब है जिसने रात्रि के समय मेरे लिए भोजन बनाया है उससे इतना तो पूछना बनता ही है कि भोजन किया है कि नहीं। तो पति बोला ना हमने भोजन किया, ना पत्नी ने भोजन किया, ना बच्चों ने भोजन किया। क्यों नहीं किया, इतना समय हो गया। अरे बोले कैसे करें, हमारे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। उस अतिथि ने कहा ऐसा समझो जैसे शंकर भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है, आओ हम सब मिलके भोजन करेंगे, इतनी सामग्री है मैं अकेला कैसे खाऊं। अरे नहीं नहीं पहले आप खाई। अरे नहीं पहले आप खाई, आप सब मिलके खाएंगे और सबसे पहले इन बच्चों को भोजन कराओ। ये भोजन करने का नियम है, सबसे पहला भोजन घर के बुजुर्ग को करना चाहिए, उसके बाद घर का भोजन बच्चों को करना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे जो हों, फिर उसके बाद घर का भोजन बड़े लोगों को करना चाहिए, और रसोई बनाने वाली देवी को घर का भोजन जब सब भोजन कर चुके हों सबके बाद करना चाहिए। द्रौपदी जी के चरित्र से यही सीखने को मिलता है। और बड़ी खुशी हुई इस बात को देखकर कि देवियां ताली बजा रही हैं, नहीं तो कई तो यूं कह देती वाह भोजन हम ही बनावे और हम ही देर में करें, पर मोस्टली देवियों का यही स्वभाव होता है वो सबसे पीछे ही खाती। अब महाराज भोजन कर दी, सबने मिलके किया, सबसे पहले बच्चों को कराया, फिर अतिथि को कराया, और फिर पति देव ने अतिथि के साथ ही भोजन किया और बचा हुआ भोजन उस देवी ने स्वीकार किया। वो अतिथि भोजन करते करते बोले वाह आनंद आ गया,
ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो मैंने कभी किया ही नहीं। देवी आपके हाथों में जादू है कोई, हम आपका ये कर्ज कैसे उतारेंगे, आपने हमारे लिए भोजन बनाया। अरे आप ऐसे नहीं, बस आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे सब सुख चैन में रहें। उस अतिथि ने कहा, तुम्हारे घर की दशा देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सर्दी में एक आध जना सिलट जाएगा, हैं? एक आध जन चला जाएगा, क्यों? तुम्हारे पास कोई गर्म वस्त्र नहीं है, तुम्हारे पास कोई कंबल वंबल नहीं है, बच्चे के दो है ना, बोले हाँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों के बच्चे ऐसे वस्त्र पहनते, ऐसे वस्त्र गरम गरम थे, लो दो नहीं ये सारे ही वस्त्र तुम रख लो, अब मैं घर जा रहा हूं, सामान बिका नहीं, मेरे किसी काम का नहीं, बारिश हो रही है, ये खराब हो जाएंगे इसलिए तुम रख लो, और ये 5-7 कंबल हैं ये भी तुम रख लो, गर्म वस्त्र भी तुम रख लो, तुम भी पहनना और बच्चों को भी पहनाना, और भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाया, हम तुम्हारे से बड़े प्रसन्न हैं, हम जा रहे हैं, तुम हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखना और शिव 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 कहते रहना, ये हमारे लिए हम निवेदन कर रहे हैं तुमसे, शिव शिव कहना। नहीं नहीं हमें जरूरत, हमें आवश्यकता नहीं, इतना ऐसे नहीं, नहीं नहीं बोले, अरे तुमने हमें भोजन कराया, सबसे बड़ा दान जानते हो क्या है, अन्न दान है, तुमने हमारे लिए भोजन बना के दिया, हम मर जाते रास्ते में तो इनका क्या करते हम, इनका क्या करते हम, इसलिए तुम रखो, अब हमारी इतनी बात माननी पड़ेगी। तो उन्होंने वो रख लिए और कहा, शिव जी बहुत जल्दी तुम पर कृपा करेंगे, हम प्रार्थना कर रहे, और ऐसा कहकर वो चले गए। और जब वो ऐसा कह के चले गए तो पत्नी ने कहा, देखो हमारे भोले बाबा को तुम कितना खोटा खोटा सुनाते थे, खरा खरा सुनाते थे ना, आज भोले बाबा ने ही कृपा करके हमको लगता है ये सब व्यवस्था तुम्हारे लिए की है। देखो लो बेटा, तुम ये वस्त्र पहनो, तुम ये वस्त्र पहनो। कंबल देखने लगे तो अचानक से उनमें वो कंबल दिखाई पड़ा जो कंबल एक बूढ़े बाबा को ये देखे आई थी। बोली, ये कैसे संभव है, ये तो वही कंबल है जो कंबल मैंने उस बूढ़े बाबा को दिया था। अरे पागल हो क्या, ये कैसे हो सकता है। बोले, मैं भूल नहीं सकती इस कंबल को, इतना अच्छा कंबल था, मैंने सब कंबलों में ये पहचान ली ये कंबल, और ये कंबल इन कंबलों में कैसे आ गया। झट वो रोने लगी, हाय हाय मेरे तो भाग्य फूट गए, मैं पहचान ना सकी, वो कंबल लेने वाला भी शिव था और ये कंबल देने वाला भी शिव है, वो मेरी परीक्षा के लिए सेवा आए थे, मेरी परीक्षा लेने आए थे और शिव ने ही मेरी परीक्षा ली, और वो परीक्षा में शायद उनकी दृष्टि में सफल हो गई, इसलिए वही कंबल मुझे यहां देने, लेने वाला भी शिव और देने वाला भी शिव है। हाय हाय मैं पहचान न सकी, हे भोले मुझसे जो अपराध हुआ वो क्षमा करो, अब तो पति रोवे सो रोवे। अरे मैंने क्या क्या सुना दिया, उल्टा सीधा सुना दिया, भोले बाबा हे भोले बाबा हमको क्षमा करना, हे भोलेनाथ हमको क्षमा करना, हम अनजान हम गमार है, पहचान नहीं सके, वस्त्र और भोजन में ही मस्त हो गए, और वस्त्र और भोजन में इतने मस्त हो गए हम आपको भूल गए, हे भोलेनाथ कृपा करना, हे भोलेनाथ कृपा करना। उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि उस पोटली में जो वस्त्रों की पोटली थी उसमें एक ऐसी पोटली निकली जिसमें अपार धन था, और उनका छोटा सा घर बहुत बड़ा घर बन गया और उन बच्चों के लिए महल बन गया। ये बहुत पुरानी कथा नहीं, ये कलयुग की अभी की कथा है। किसी को खिलाने से तुम्हारा भोजन कम न हो जाएगा, किसी को वस्त्र पहनाने से तुम्हारे घर के वस्त्र कम न हो जाएंगे, किसी की सहायता करने से, किसी की परोपकार करने से तुम्हारे घर में कभी धन की हानि नहीं होगी। जो मनुष्य दूसरों को खिलाना जानता है परमात्मा उसे कभी भूखा नहीं रहने देता, जो मनुष्य दूसरों के तन के वस्त्रों तन को ढकता है वस्त्रों से परमात्मा उसके तन को कभी भी बिना वस्त्र के नहीं रहने देता, यही भगवान का स्वभाव है।
अरे भैया कितना भी धन जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर जाओ सब यहीं छूट जाएगा, लेकिन जितना भी परोपकार में खर्च करके जाओगे वही तुम्हारे साथ जाएगा। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हाँ इतना संभाल के रखो जिससे तुम्हारा घर गृहस्थ चलता रहे, परिवार के खर्चे चलते रहे, तुम्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। और इसके बाद अगर बसता है तो परोपकार करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी। राधे राधे बोलना पड़ेगा।